हेलो फ्रेंड्स, मैं लाया हूं आपके लिए एक और मैथ का प्रॉब्लम। पहले अपन क्या करेंगे, मैथ के प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, आता तो कुछ नहीं है। चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। y की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/2 बराबर 1, यह है प्रॉब्लम। अब मुझे सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है वो तो पता नहीं है। चलो ट्राई करते हैं सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। पहले इसको इधर लिखते हैं अपन, y की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/2 इक्वल टू 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे अपन, तो कुछ करते हैं इसका, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। y की पावर 1/4 बराबर 1 माइनस, इधर प्लस का इधर जाते किस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी पावर y की पावर 1/2। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आगे क्या करें, आगे क्या करें, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। आइडिया, यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे, किसका किसका फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m, इसकी होल पावर n। ये फॉर्मूला आपने भी देखा होगा। तो क्या हो जाता है, यदि a की पावर m इसकी होल पावर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m गुणा n हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही करेंगे अपन इधर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड साइड दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 1/4 इसकी होल पावर 2 इक्वल टू 1 माइनस y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ करते हैं तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर तो कर दिया अपन ने, अब यहाँ पर इस 1 माइनस y की पावर 1/2 है तो इसका स्क्वायर करना है अपने को। तो यहाँ पर अपन एक और अलजेब्रिक फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे फार्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इस फॉर्मूले को खोलने पर क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन यहाँ पे, और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इधर, तो ये आपस में मिल जाता है, तो y की पावर 1/4 इंटू 2, 1/4 इंटू 2 बराबर, ये इसको खोलेंगे इसके हिसाब से, तो a क्या है यहाँ पे 1 और b का मान क्या है, y की पावर 1/2, तो a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा a यानी कि 1 गुणा b का मान कितना है, y की पावर 1/2। ठीक है, यह हो गया। अब क्या है, y की पावर 1/4, तो यहां से क्या जाएगा 2, y की पावर 1/2 इक्वल टू 1 प्लस, यह आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेम ऐसी वाली कंडीशन है, तो 1/2 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहां पे जाएगा y माइनस 2 गुणा 1 और y की पावर 1/2, तो 2 y की पावर 1/2। ठीक है, अब ये इधर 2y/2 है, इसका माइनस का है, तो इसको उठाकर अपन इधर ले जाएंगे, लेकर आएंगे, क्योंकि इधर भी कितना है, y की पावर 1/2, तो इधर आ जाएंगे, तो ये y की पावर 1/2 प्लस 2 y की पावर 1/2 इक्वल टू 1 प्लस y। आई थिंक यहां तक आपके समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या किया। अब 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दोनों सेम है, सेम क्वांटिटी है, तो 3 y की पावर 1/2 इक्वल टू 1 प्लस y। अब इसके आगे क्या करेंगे, कमेंट करो इसके आगे क्या करेंगे अपन, कर दिया वीडियो को लाइक भी कर दो। क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ ये घात है 1/2, इसको हटाना पड़ेगा अपने को, तभी तो अपने पास सॉल्यूशन आएगा। इसको कैसे हटाएंगे, हाँ यहाँ पे कुछ अपन ने क्या किया था, स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने पर 1/4 से कितना हो गया 1/2, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस y की पावर 2, 1 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यहां भी कुछ फॉर्मूला लगाएंगे अपन,
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला तो ये वाला लग जाएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और इसके साथ में ही यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए बी की पावर एम है, ए बी की होल पावर कितनी है एम, तो क्या हो जाता है ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एक, तो एक लगेंगे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है ना वन प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये खुल गया, ये है अपने फॉर्मूले जो यहाँ पे उपयोग में होगी, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन, इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अपना मिक्स आ जाइयो, मेल जोड़ दो मैं फिर आप समझ में कैसे ना आप लोगों, तो तीन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले इधर, तो तीन की पावर, अब यहाँ भी पावर क्या है सेम है, दो है दोनों की थ्री, तीन फाइव की पावर वन बाय टू का होल पावर टू है, तो तीन की पावर टू गुणा वाई की पावर वन बाय टू की होल पावर कितनी है टू, बराबर ए का स्क्वायर वन, वन प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो गया वन और बी का मान कितना है वाई है, तो ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस टू गुणा ए गुणा बी का मान कितना है वाई, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा नौ, वाई की पावर वन बाय टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया था पहले वन बाय टू का स्क्वायर किया था तब क्या था वाई है, तो यहाँ पे जाएगा वाई बराबर, यहाँ पे कितना है वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर टू वाई हो गया, अब ये नौ वाई है तो इसको उठाकर इधर ले जाएंगे अपन, तो यह हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस नाइन वाई, इधर पॉजिटिव के इधर आते ही नेगेटिव जाएगा बराबर जीरो, अब यहाँ पे क्या बचेगा तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नौ में से दो गए तो कितना बचेगा सात वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, अब इसके टुकड़े करके अपन सॉल्व नहीं कर सकते, अब लगाएंगे अपन यहाँ पे श्रीधर आचार्य सूत्र, क्या लगाएंगे श्रीधर आचार्य सूत्र, अब वो क्या होता है उसके लिए यदि आपको फुल वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि श्रीधर आचार्य सूत्र पर एक फुल वीडियो लाओ सर, ठीक है। अब वहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, श्रीधर आचार्य सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी फोर ए सी, ठीक है, यह फॉर्मूला होता है अपॉन टू ए, ये श्रीधर आचार्य सूत्र होता है जो द्विघात समीकरण में x के मूल ज्ञात करने के लिए उपयोग में आता है। तो अब यहाँ पे बी बी है और ए और सी है, इनका कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बी एक्स प्लस वन इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है जिसमें से ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अब यहाँ पे वाई है तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो ए का मान कितना हो गया वन, बी बराबर कितना हो गया यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई है तो माइनस का सात और सी का मान कितना है वन, अब इस इन मानों को अपन इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे तो वाई बराबर कितना जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, मान रखेंगे अपन तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस बी, यानी कि b का मान रखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस सेवन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि सात का स्क्वायर माइनस सात का स्क्वायर माइनस चार गुणा ये a का मान एक गुणा c का मान कितना है एक, ठीक है, क्या हो गया अपॉन टू ए, a का मान कितना है एक, y बराबर कितना जाएगा यहाँ पे ये माइनस है माइनस इन दो का तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सेवन प्लस माइनस रूट के अंदर फोर्टी नाइन माइनस चार अपॉन टू, तो y बराबर कितना आएगा सेवन प्लस माइनस रूट उनचास में से चार गया तो कितना बचेगा फोर्टी फाइव बटा दो, अब यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा सेवन प्लस माइनस फोर्टी फाइव को क्या लिख सकता हूं मैं नौ
इंटू फाइव, रूट के अंदर नौ गुणा पांच, नौ गुणा पांच लिख सकता हूँ अपॉन टू, तो फाइव बराबर कितना आ जाएगा सेवन प्लस माइनस नौ, रूट के अंदर नौ है तो बाहर क्या जाएगा तीन आ जाएगा, तो थ्री रूट फाइव अपॉन टू। तो वाई की वैल्यू क्या है अपने पास में सेवन प्लस माइनस थ्री रूट फाइव अपॉन टू। आशा ही आपके समझ में आया, यदि समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। अरे हाँ, अपने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, मजा आ गया।